dear student, today we see the types of wave propagation. In that types of wave propagation, today we see the ground wave propagation. Okay, before we see the frequency range of wave propagations, first it is the ground wave propagation and is used for the medium wave band in a radio. Okay, and its frequency range is 30 kilohertz to 3 megahertz. Next, second one is the sky wave propagation. Sky wave propagation will be used for small wave band in radio broadcasting. Okay, and this, the frequency range is 3 megahertz to 30 megahertz. Okay, and next one it is, that is the space wave or line of sight propagation, and it is used for TV, FM transmission. Okay, this range is, that is 30 megahertz and above. Okay, this is the types of wave propagation, that is first it is the ground wave propagation, second sky wave propagation, and third is the space wave or line of sight propagation. Okay, today we see only the ground wave propagation in detail. Okay, see, this is the diagram for ground wave propagation, figure for this ground wave propagation. See, this is the transmitting antenna and this is the ground waves which is transmitted vertically. Okay, सो ये जो है आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है जो अर्थ के ऊपर रहता है, जमीन के ऊपर. ओके, और जो वेव्स ट्रांसमिट होती है वो कहाँ पे होती है, सिर्फ ग्राउंड पे ही वेव जो है वर्टिकली ट्रांसमिट होते हैं. तो वन बाय वन जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट जो है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का, तो फर्स्टली द रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज फ्रॉम 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज. ओके, इसकी जो रेंज है वो कितनी रहती है, 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज रहती है. ओके, उसके बाद में सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन से दैट द रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन हैज अ फ्रीक्वेंसी लो टू मीडियम. ओके, जो फ्रीक्वेंसी रहती है वेव प्रोपगेशन की वो कैसी रहती है, लो टू मीडियम जो है प्रोपोगेट होती है. ओके, नेक्स्ट है द ट्रांसमिशन ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज वर्टिकली. ओके, जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, वर्टिकली होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द थीटा, दैट इज एंगल, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. जो एंगल होता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, that is the value of theta increases when the frequency of propagation with increases. Theta kab increase hoga, that is jab frequency increase hogi wave propagation ki, tabhi ye jo angle hai wo increase hoga. Okay, next point hai, the advantage of ground wave propagation is the rain and any other environmental condition cannot affect transmission too much. ओके, तो ग्राउंड वेव का एडवांटेज क्या है, अगर रेन, बारिश या फिर अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर हो तो वो इस पर इफेक्ट नहीं होती है, बिकॉज इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ पे होता है, ऑन ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड वेव्स के इस पर होता है. इसीलिए इस पर जो है जो भी रेन या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट नहीं होती है. ओके, डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज इज दैट वी कैन नॉट ऑपरेट दिस प्रोपगेशन बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज. मीन्स हम लोग 3 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो है ये वेव प्रोपगेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज. ओके, और ऑलरेडी मैंने बताया है ये किसके लिए यूज होता है, फॉर मीडियम वेव बैंड. ओके,
और इसका जो अप्लीकेशन है वो क्या है, द एएम दैट इज एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट इन मीडियम वेव बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एएम मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ब्रॉडकास्ट इन मीडियम वेव बैंड. सेकेंड एडवांस एप्लीकेशन है द वेरी लार्ज फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन इज यूज फॉर टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन. जो यहाँ पे वेरी लार्ज फ्रिक्वेंसी है वो किसके लिए यूज होती है, यूज फॉर टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए. ओके तो ये हो गया अपना ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन. इसके जो है डिटेल राइटिंग पॉइंट्स भी देख लेंगे हम लोग एक बार. ओके सी वन बाय वन पॉइंट दैट इज द रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज फ्रॉम 30 किलोहर्ट्ज़ टू 3 MHz रेंज होती है. उसके बाद में वी कैन से दैट द रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन हैज अ फ्रिक्वेंसी लो टू मीडियम. लो टू मीडियम उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वेव प्रोपोगेशन की. द ट्रांसमिशन ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज वर्टिकली. जो भी ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, वर्टिकली होता है ग्राउंड पे. द थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोपोगेशन ऑल्सो इंक्रीज. जब भी थीटा इंक्रीज होगा तभी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उसके बाद में जो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज द रेन एंड एनी अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन नॉट अफेक्ट ट्रांसमिशन टू मच. मीन्स जो भी बारिश है या फिर अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, वी कैन नॉट ऑपरेट दिस प्रोपोगेशन बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 MHz. द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज अ वर्टिकली पोलराइज टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट. यहाँ पे जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है वो वर्टिकली पोलराइज होता है. वर्टिकली पोलराइज होता है, वर्टिकली पोलराइज होने के कारण जो शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का वो नहीं होता है, ठीक है, प्रिवेंट होता है. शॉर्ट सर्किटिंग जो है इसमें ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में नहीं होती है बिकॉज इट इज वर्टिकली पोलराइज्ड. ओके एप्लीकेशन भी देख लेंगे. एप्लीकेशन है एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट इन मीडियम वेव बैंड. सेकेंड है द वेरी लार्ज फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन इज यूज फॉर टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन.